बिहार के विधायक मनोज मंजिल को 8 साल पुराने हत्या के एक मामले में मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरा एमपी एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सत्येंद्र ने मंजिल के अलावा 23 और लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई और उनमें से 22 को उम्र कैद हुई है। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। अदालत ने सीपीआई विधायक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंजिल को तुरंत हिरासत में ले लिया गया था। अब फैसले के बाद उसकी विधायकी खोने का जोखिम भी है। सभी आरोपियों को 2015 में आरा के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसके पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और सबको गांव के बाहर नहर में फेंक दिया गया था। बाद में सिंह के बेटे चंदन कुमार ने मनोज मंजिल समेत 24 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। यह हत्या स्पष्ट रूप से सीपीआई नेता सतीश यादव की हत्या के प्रतिशोध में की गई थी, जिनके 20 अगस्त 2015 के अजीमाबाद आरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2020 के चुनाव में मंजिल को आरा के अगी गांव सीट के जदयू के प्रभुनाथ प्रसाद के 48,550 वोटों से हराकर पहली बार विधायक चुना गया। वो बिहार के खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अपने स्कूल पर सड़क आंदोलन के लिए चर्चा में था। मंगलवार को सजा सुनाए जाने के बाद सीपीआई के राज्य मीडिया प्रभारी कुमार परवेज ने कहा कि यह भाजपा की करतूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि कोई दलित, पिछड़े वर्ग और मजदूरों की आवाज उठाए। यह बिल्कुल गलत फैसला है। उस मामले में मनोज मंजिल को कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमें डराने के लिए ऐसा कर रही है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। वो निर्देश है, उनकी एकमात्र गलती यह है कि वे गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। संयोग से भाजपा अपने पूर्व सहयोगी जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने पाले से लौटने और विधानसभा का गठबंधन का बहुमत साबित करने के बाद बिहार में सत्ता में वापस आ गई।